ट्रैक्टर पलटन के कारण एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई है। दसिया जा रहा है कि नौजवान ट्रैक्टर के हेठा ही दब गया, जिस तों बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि 19 साल का जसकरनप्रीत सिंह, जिसके कि खेतों के जदों झोना वड्डन वाली कंबाइन लगी हुई सी, तो यह ट्रैक्टर के मगर ट्राली पा के जदों जा रहा है झोना लदन के लिए, तो रस्ते दे विच खेतों से ही दसिया जा रहा है कि ट्रैक्टर अचानक बेकाबू हो जाता है। बेकाबू होने तो बाद यह नौजवान ट्रैक्टर के हेठा ही दब जाता है, ट्रैक्टर पलट जाता है, जिसके कारण 19 साल के जसकरनप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। उत्थे पिंड वालों का कहना है कि 20 मिनट तक लगातार उसके वालों जदोजहद की जाती है बाहर निकलन की, पर जो कामयाब नहीं हो पाता तो उस तो बाद उसकी मौत हो जाती है। तो कपूरथला तो यह मामला सामने आया, जिते कि एक पिंड दे विच नौजवान जदों अपने खेतों के जा रहा है ट्रैक्टर के मगर ट्राली पा के झोना लदन के लिए, तो रस्ते दे विच दसिया जा रहा है कि अचानक ट्रैक्टर बेकाबू हो जाता है तो हेठा दबण के कारण उसकी मौत हो गई है। परिवारक मैंबरों का रो रो के बुरा हाल है। उत्थे ही पिंड वासियों का कहना है कि 19 साल जसकरनप्रीत सिंह की उम्र सी, 11 साल पहला इसके पिता की भी मौत हो चुकी है, तो यह अपनी माता और भैन के नाल रहिंदा सी। बीते दिन जदों इन्हां दे खेतां दे विच झोना वड्डण दे लई कंबाइन लगी, तो यह ट्रैक्टर के पिछे ट्राली पा के जा रहा सी झोना लदन दे लई, पर रस्ते दे विच भयानक हादसा वापर गया, जिस दे विच इस नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके दीआं तस्वीरां भी सामने आईआं ने, जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि खेतों के ट्रैक्टर पलटिया होया, तो दसिया जा रहा है कि इत्थे ही इस हादसे च नौजवान की मौत हो गई है। मेरा नाम जगजीत सिंह, निवासी पिंड जरियाल। अज बड़ी एक मनभागी घटना वापरी आ। बच्चा जसकरन सिंह सानो परमजीत सिंह निवासी पिंड दरियाल अचानक खेतों च झोना कट रहा सी, तो ट्रैक्टर की घटना होने नाल ट्रैक्टर पलट गया, जिस करके उसकी थले पीना डेथ हो गई आ। मैं यह अपील करदा सरकार वालों कोई भी माली सहायता जाने के उन्हें मिलनी चाहिए आ। उदा जो कि बाप आ भी 11-12 साल पहलों उदी भी डेथ हो चुकी आ, परिवार को हुण इस टाइम कोई नहीं सोचता, इस करके सरकार नूं कोई ना कोई उसकी मदद करनी माली करनी चाहिए आ। साडी इह ही अपील है। उम्र उसकी हैगी सी 19 साल ते 1-2 महीने सी सर। जो भी वाहिगुरु दा भाणा वा, सब नूं मनना पैना वा। मैं फिर एंड ते इह सरकार नूं मदद करदा वा, इस परिवार की मदद की जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। ट्रैक्टर पलटन के कारण एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई है। दसिया जा रहा है कि नौजवान ट्रैक्टर के हेठा ही दब गया, जिस तों बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि 19 साल का जसकरनप्रीत सिंह, जिसके कि खेतों के जदों झोना वड्डन वाली कंबाइन लगी हुई सी, तो यह ट्रैक्टर के मगर ट्राली पा के जदों जा रहा है झोना लदन के लिए, तो रस्ते दे विच खेतों से ही दसिया जा रहा है कि ट्रैक्टर अचानक बेकाबू हो जाता है। बेकाबू होने तो बाद यह नौजवान ट्रैक्टर के हेठा ही दब जाता है, ट्रैक्टर पलट जाता है, जिसके कारण 19 साल के जसकरनप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। उत्थे पिंड वालों का कहना है कि 20 मिनट तक लगातार उसके वालों जदोजहद की जाती है बाहर निकलन की, पर जो कामयाब नहीं हो पाता तो उस तो बाद उसकी मौत हो जाती है। तो कपूरथला तो यह मामला सामने आया, जिते कि एक पिंड दे विच नौजवान जदों अपने खेतों के जा रहा है ट्रैक्टर के मगर ट्राली पा के झोना लदन के लिए, तो रस्ते दे विच दसिया जा रहा है कि अचानक ट्रैक्टर बेकाबू हो जाता है तो हेठा दबण के कारण उसकी मौत हो गई है। परिवारक मैंबरों का रो रो के बुरा हाल है। उत्थे ही पिंड वासियों का कहना है कि 19 साल जसकरनप्रीत सिंह की उम्र सी, 11 साल पहला इसके पिता की भी मौत हो चुकी है, तो यह अपनी माता और भैन के नाल रहिंदा सी। बीते दिन जदों इन्हां दे खेतों के झोना वड्डण के लिए कंबाइन लगी, तो यह ट्रैक्टर के पिछे ट्राली पा के जा रहा सी झोना लदन के लिए, पर रस्ते दे विच भयानक हादसा वापर गया, जिस दे विच इस नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके दीआं तस्वीरां भी सामने आईआं ने, जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि खेतों के ट्रैक्टर पलटिया होया, तो दसिया जा रहा है कि इत्थे ही इस हादसे च नौजवान की मौत हो गई है। मेरा नाम जगजीत सिंह, निवासी पिंड जरियाल। अज बड़ी एक मनभागी घटना वापरी आ। बच्चा जसकरन सिंह सानो परमजीत सिंह निवासी पिंड दरियाल अचानक खेतों च झोना कट रहा सी,
ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਪੀਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਵੀ 11-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਮਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 19 ਸਾਲ ਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਸਰ। ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।